ये कहानी है 15 साल के आयुष। वैसे तो आयुष चंडीगढ़ में रहता था, लेकिन वो पहली बार किसी स्कूल ट्रिप पर शिमला जा रहा था। शिमला के खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए आयुष बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो बस में खाना खाते हुए और डांस करते हुए जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। तभी अचानक ही उनकी बस में से धुआं निकलने लगा। बस खराब हो गई थी, इसी के चलते टीचर्स ने बस को एक होटल के पास रुकवा लिया और सारे बच्चों को होटल के अलग अलग रूम में बांट दिया। आयुष के साथ उसके दो दोस्त अमन और रोहन को भी एक ही रूम मिला था। तभी उनकी नजर खिड़की पर गई। उस खिड़की के बाहर एक झील दिखाई दे रही थी। फिर वो तीनों सोचते हैं, कैसे लास्ट टाइम कुछ बच्चे स्कूल ट्रिप पर आए थे तो वो लोग उस झील के पास गए और वो लोग स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। सबके सो जाने के बाद उस झील पर जाएंगे। फिर रात में गाड़ के सोने के बाद वो तीनों होटल के बाहर निकल जाते हैं और जंगल के रास्ते होते हुए उस झील की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरे जंगल में एक शांति फैली हुई थी। जंगल के थोड़े अंदर घुसते ही उन्हें ठंड लगने लगती है। आयुष ने अपना फोन चेक किया तो उसके नेटवर्क नहीं आ रहे थे। आगे क्या होगा वो पार्ट 2 में देख। आयुष ने अपना फोन चेक किया तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर उन तीनों को लगा कि उन्हें अब आगे नहीं जाना चाहिए। वो तीनों वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। तभी आयुष और अमन पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा रोहन वहाँ नहीं है। अब वो दोनों रोहन को इधर उधर ढूंढने लगे। तभी एक जगह उन्हें किसी के गड्ढा खोदने की आवाज आने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा रोहन एक गड्ढा खोद रहा है। तभी आयुष ने उसका नाम पुकारा तो वो गुस्से से उन्हें घूरने लगा। उसकी दोनों आंख बिल्कुल काली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें ही नहीं है और उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया था। तभी अमन उसके पास जाकर उसके पर हाथ रख देता है और उसे क्या हो गया है पूछता है। तभी रोहन जोर से चिल्लाने लगता है और वो अमन को बहुत तेज धक्का दे देता है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। उसके बाद रोहन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आयुष दौड़कर उसे पकड़ता है। तभी रोहन को होश आ जाता है। तभी वो कहता है कि वो आत्मा अब अमन के अंदर है। इधर अमन सर नीचे करके बैठा हुआ था। तभी उसकी भी हालत रोहन जैसी हो गई थी। अब उस आत्मा ने रोहन के ऊपर कब्जा कर लिया। तभी रोहन वहाँ से खड़ा हुआ और जंगल के अंदर की तरफ दौड़ने लगा। सो गाइस आगे क्या हुआ वो आप पार्ट 3 में देखें। अमन का पीछा करते हुए आयुष और रोहन एक खंडर के पास आ गए। उस खंडर को देखकर उन दोनों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उन्हें अमन की जान भी बचानी थी, इसीलिए वो दोनों उस खंडर के अंदर चले जाते हैं। उस खंडर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा अमन बेहोश पड़ा हुआ हवा में तैर रहा है और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी जो उससे बात कर रही थी। वो बूढ़ी औरत दिखने में एक डायन जैसी लग रही थी। उसके बड़े बड़े बाल और बड़ी नाक देखने के बाद बच्चों के होश उड़ गए। वो दोनों तेजी से उस खंडर के बाहर भागने लगे और वो बूढ़ी डायन भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। तभी वो दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर पीछे देखने लगे। तब उन्होंने देखा वो डायन कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से आ रही थी। वो दोनों तुरंत उस खंडर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग गए और भागते भागते वो दोनों उस झील के पास आ गए जहाँ पे वो पहुँचने के लिए होटल से निकले थे। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों उस झील में कूद जाते हैं। झील में कूदते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पैर नीचे की तरफ खींचकर डुबा रहा हो। आयुष जैसे तैसे उस झील से निकल जाता है, लेकिन रोहन के साथ क्या हुआ वो पार्ट 4 में देखना। इस वीडियो को आयुष जैसे तैसे झील के बाहर आ गया, लेकिन रोहन उसके सामने ही डूब गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। वो ये सब देखकर इतने घबरा गया कि उसे भी चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गया। जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो उसी होटल के एक कमरे में था। वो दौड़ता हुआ बाहर गया, तब वहाँ उसने देखा कि सफेद चादर से दो लाशें ढकी हुई है। वो दोनों लाशें अमन और रोहन की थी। पुलिस ने उन दोनों को एक एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी, लेकिन गाँव वालों की माने तो बहुत पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत सबसे अलग रहती थी। वो अपने उस घर में अकेली रहती और बहुत खुश थी, लेकिन गांव के कुछ दबंगों ने उसे मारकर उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। तब से लेकर अब तक रात को कोई उस झील या जंगल में जाता है तो उसी बूढ़ी औरत की आत्मा अपना बदला लेने के लिए उसकी जान ले लेती है, और ऐसा ही अमन और रोहन के साथ हुआ। तो दोस्तों इस स्टोरी के बाकी पार्ट्स पिन कमेंट में चेक कर लेना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर